नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्म हर्ट्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन्स के बारे में जो कि हर मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप फ्यूचर में मेडिकल प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको ये सारी मेडिसिन्स जरूर रखनी चाहिए। अगर आप मेडिकल स्टोर भी ओपन करना चाहते हैं तो आपके मेडिकल स्टोर पर ये सारी मेडिसिन जो मैं बताने वाला हूँ ये जरूर से होने चाहिए। तो चलिए वीडियो देख लेते हैं और सबसे पहले आप शुरुआत करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, क्योंकि हम लोगों ने कैटेगरीज बांट दिया है जिससे आपको चीज़ें आसानी से पता चले। जैसे यहाँ पर देखें तो कुछ कैटेगरीज की मेडिसिन्स हैं जिसमें सबसे पहले आता है पेन किलर्स और कुछ फीवर की मेडिसिन्स, जिसमें हम लोग कहते हैं एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक मेडिसिन्स। दूसरी कैटेगरी यहाँ पे हमने रखी है कफ और एंटीलर्जिक मेडिसिन्स की। तीसरी होती है ओमेटिंग एंड गैस की, इसकी कुछ मेडिसिन्स जो आपके पास होनी चाहिए क्योंकि ये सब कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। कुछ कॉमन एंटीबायोटिक्स जो कि ज़्यादातर यूज किए जाते हैं वो कौन से हैं, उसके बाद कुछ अलग से मेडिसिन्स जो कि आपको अपने पास ज़रूर रखने चाहिए, मिसलिनियस या अदर में हम लोग उसको देख लेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले देखते हैं ऐसे कौन कौन सी पेन किलर्स और फीवर में यूज़ होने वाली मेडिसिन आपके पास होनी चाहिए। जिसमें अगर हम फीवर की सबसे पहले बात करें, जिसको हम एंटीपायरेटिक मेडिसिन भी बोलते हैं, उसमें आपको पता है कि एक ही मेडिसिन ज़्यादातर यूज़ होती है जो कि है पैरासीटामॉल, जो कि 500 mg में यूज़ होती है और 650 mg में यूज़ होती है। तो आप इसको अपने पास ज़रूर से रखेंगे और इसमें आप कोई भी ब्रांड ले रख सकते हैं। अगर जेनरिक मिल जाती है, कोई सस्ती ब्रांड मिलती है तो आप ज़्यादा उसको रखें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि आपको पेशेंट को भी देखना होता है। दोस्तों, अब इसमें डोलो, कालपाल, क्रोशिन, पैरासिप या दूसरी बहुत सारी मेडिसिन्स आती हैं, आप कोई भी रख सकते हैं जो भी आपको इजी लगता है रखना और थोड़ा सा जो सस्ती पड़ती है। दूसरी अगर हम कैटेगरी की बात करें जो कि है पेन किलर, जिसको हम लोग एनाल्जेसिक मेडिसिन भी कहते हैं, इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो क्योंकि जब पेन किलर्स हम लोग लेते हैं तो उसमें पैरासीटामॉल भी लेते हैं, क्योंकि पेन के साथ में हल्का सा फीवर भी आपको होता है। तो इसके लिए जो सबसे अच्छी मेडिसिन, एक्चुअली पेन किलर अगर देखा जाए तो अगर प्लेन पेन किलर की बात करें तो एसिक्लोफिनेक होता है, डाइक्लोफिनेक होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नीमोसिलाइड होता है। पर अगर वो अगर थोड़ा सा आपको फीवर है तो उस टाइम पे आपको ये रखना पड़ेगा मेडिसिन, अगर पेशेंट को थोड़ा सा फीवर है, जिसमें एसिक्लोफिनेक 100 mg इन पैरासीटामॉल 325 mg, मतलब 325 mg, इसकी जो मेडिसिन होती हैं वो आपको रखनी होती हैं। इसकी जो फेमस ब्रांड है वो जीरोडॉल पी के नाम से आती है। पहले 325 की जगह हम लोग जो देखते थे कि पैरासीटामॉल 500 की आती थी, पर अब जो है 325 ही आती है, क्योंकि उसका जो साइड इफ़ेक्ट होता था वो ज़्यादा होता था। नेक्स्ट जो मेडिसिन होती है, अगर आप किसी भी पेशेंट को पेन हो रहा है, थोड़ा सा बहुत घाव है, हल्का बहुत फीवर है, तो उस टाइम पे ये मेडिसिन दी जाती है जो कि जीरोडॉल एसपी के नाम से फेमस है, जिसमें एसिक्लोफिनेक होता है, पैरासीटामॉल होता है और सेरेटियोपेप्टाइडेज होती है। तो आपको ये मेडिसिन पेशेंट को देनी होती है क्योंकि ये मेडिसिन बहुत कारगर होती है उस कंडीशन के लिए। अगली जो मेडिसिन है वो न्यूमोसिलाइड है और पैरासीटामॉल है, इसे पेन किलर है और फिर हल्के से फीवर के लिए है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सर दर्द में जो मेडिसिन यूज़ होती है श्यूमो, वो ज़्यादातर इसमें एक्चुअली श्यूमो जो है ब्रांड है और वो न्यूमोसिलाइड प्लस पैरासीटामॉल होता है, तो खास करके सर दर्द में इसका यूज करते हैं। तो न्यूमोसिलाइड ये जो है हम लोग इसको यूज कर सकते हैं और इसको आपको अपने पास ज़रूर रखना चाहिए। अगर आप मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं या करने वाले हैं तो आपको ये सब रखना ज़रूर पड़ेगा। दोस्तों, नेक्स्ट अगर किसी भी पेशेंट को स्टोमक पेन हो रहा है उस टाइम पे उसको कौन सी मेडिसिन देनी है, तो उसके लिए एक्चुअली डाइसाइक्लोमीन टेबलेट्स आती हैं, डाइसाइक्लोमीन आप रख सकते हैं। पर जो अच्छी मेडिसिन होती है उसमें मेफेनामिक एसिड और डाइसाइक्लोमीन का कम्बिनेशन आता है। अगर इसके ब्रांड की बात करें तो मेप्टाल इस्पास के नाम से आती है, दूसरे भी ब्रांड से आ सकती है, आप कोई भी ब्रांड रख सकते हैं, उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, बस ये कम्बिनेशन ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। तो ये मेडिसिन जो होती है स्टोमक पेन के लिए होती है। थोड़ा सा हम लोग मेडिसिन के बारे में अगर यहाँ पे डिटेल देखें तो ये सारी मेडिसिन है जो मैंने आपको बताया, जिसमें दिखे ये वेब डोलो एसपी है जो कि मैंने आपको बताया घाव के साथ में ये दर्द और बुखार में भी फ़ायदा करती है। पेट दर्द के लिए मेप्टल इस्पास होती है, डोलो टेबलेट्स होती हैं, क्रोशिन है जो कि पैरासीटामॉल है, और एसिक्लोफिनेक पैरासीटामॉल 325 mg जो कि जीरोडॉल पी के नाम से आती है, एंड श्यूमो है और ये जीरोडॉल एसपी है। तो ये सारी मेडिसिन्स जो हैं वो पेन किलर और दर्द के लिए, पेन किलर और फीवर के लिए यूज़ होती हैं, पेट दर्द के लिए यूज़ होती हैं। चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देख लेते हैं अगला जो कैटेगरी है जो कि है कफ और एंटी एलर्जिक मेडिसिन्स। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो अगर कफ या खांसी की बात करें तो खांसी के लिए तीन प्रकार की खांसी होती है, एक्चुअली दो प्रकार की खांसी होती है, पर आपको तीन प्रकार की मेडिसिन यहाँ पे दी जाती है। जैसे अगर हम बात करें तो खांसी अगर कफ युक्त है
तो उसे हम लोग बेट कॉफ़ी, सॉरी कॉफ़ी नहीं एक्चुअली कफ, उसको हम लोग बेट कफ कहते हैं, मतलब सूखी एक्चुअली गीली खांसी जिसमें कफ आता है बॉडी से, मतलब बलगम निकलता है, ठीक है। तो इसके लिए ज़्यादातर एक्सपेक्टोरेंट दिया जाता है। और ड्राई ड्राई कफ होता है, ड्राई कफ में क्या होता है कि एक्चुअली सूखी खांसी आती है। या दूसरा चीज़ पेशेंट में पता नहीं लग पाता है कि उसको वेट कफ है या फिर ड्राई कफ है। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं, अगर वेट कफ है तो उस टाइम पे हम लोग कौन सी मेडिसिन देते हैं। तो यहाँ पे सिरप दिया जाता है, तो कौन सा सिरप होता है, तो टर्ब्यूटालिन एंड ब्रोमैक्सिन HCl सिरप होता है, जो कि आपको अपने पास रखना चाहिए। अलग अलग ब्रांड से आता है तो आप कोई भी ब्रांड रख सकते हैं। ड्राई, अच्छा देखो ये जो है ना, ये एक एक्सपेक्टोरेंट होता है जो कि कफ को खींच करके बाहर निकालता है अंदर से। अगला होता है ड्राई कफ, अगर आपको किसी पेशेंट को सूखी खांसी आ रही है तो उसके लिए डेक्स्ट्रोमेथारफेन हाइड्रोक्लोराइड क्लोरफेनरामिन मैलिएट सिरप होता है, तो उस पेशेंट को दिया जाता है। अलग अलग ब्रांड से आता है, आप कोई भी ब्रांड दे सकते हैं, ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जो भी ईजी हो, मतलब जो भी थोड़ा सा सस्ता हो आप उसको दे सकते हैं। अब अगर यहाँ पे देखा जाए कि कफ के बारे में पता ही नहीं कि भाई साहब को कौन सा कफ हुआ है, तो उस कंडीशन में आपको एक सिरप आती है, ये सिरप आप दे सकते हैं पेशेंट को, जो कि डेक्स्ट्रोमेथारफेन हाइड्रोक्लोराइड क्लोरफेनरामिन मैलिएट एंड गुआइफेंसिन एंड अमोनियम क्लोराइड सिरप होता है, जो कि पेशेंट को दिया जा सकता है उसको पीने के लिए, और ये अच्छा कारगर होता है। तो ये पेशेंट को दे सकते हैं जो कि खास करके खांसी के लिए है। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ एंटी एलर्जिक मेडिसिंस जो कि इसी कैटेगरी के अंदर आ रही हैं, जो कि आपके पास होनी ही चाहिए। तो इसमें पहली चीज़ तो भैया बता दें कि सबसे ज़्यादा यूज़ होती है सिट्रिजिन। तो सिट्रिजिन जो है वो ज़्यादातर यूज की जाती है एलर्जी में, तो ये मेडिसिन आपके पास होनी चाहिए, सस्ती सी मेडिसिन है तो होती भी है। सिट्रिजिन के साथ में एबिल भी रख सकते हैं, अगर किसी को ज़्यादा शिकायत देखने को मिल रही है एलर्जी की, तो उसको हम लोग एबिल भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर लें कॉमन कोल्ड की, तो कॉमन कोल्ड भी एक प्रकार की एलर्जी होती है, तो कॉमन कोल्ड में भी हम लोग सिट्रिजिन दे सकते हैं, फेनरामिन मैलिएट मतलब एबिल दे सकते हैं, एंड ज़्यादातर जो इसमें दिया जाता है वो विकोरिल दिया जाता है। विकोरिल में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हल्का सा पैरासीटामॉल एंड फेनरामिन हाइड्रोक्लोराइड होती है और क्लोरफेनरामिन मैलिएट भी होती है। तो कहने का मतलब ऐसे बंद नाक में ये जो थोड़ा सा फ़ायदा करती है, तो ये मेडिसिन भी आप दे सकते हैं कॉमन कोल्ड में। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे, और यहाँ पे देखते हैं कि कुछ और दूसरी मेडिसिन जो कि ओमेटिंग और गैस के लिए है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ओमेटिंग के लिए कौन सी मेडिसिन दी जाती है किसी पेशेंट को उल्टी हो रही है, तो उसे ओंडेंसेट्रॉन 4 mg की टैबलेट्स आती हैं, तो आप इसको दे सकते हैं, कोई भी कंपनी की दे सकते हैं, वोमिकाइंड आती है इसकी तो उसको दे सकते हैं, कोई दे सकते हैं। डोमपेरिडोन डीटी दे सकते हैं, ये दो मेडिसिन में से एक मेडिसिन दी जाती है ओमेटिंग के लिए। पहले हम लोग डोमपेरिडोन देते हैं, ये डिस्पर्जेबल टैबलेट सही नहीं होता है, तो ओंडेंसेट्रॉन भी दे सकते हैं या फिर कोई भी आप पहले दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे अगर हम बात करें गैस की, जो कि एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम है, तो अगर किसी भी पेशेंट को गैस या कोई ऐसी मेडिसिन दे रहे हैं जिससे कि गैस बन सकती है, तो उस टाइम पे हम लोग रैंटिडीन टैबलेट देते हैं, जो कि जेंटेक रैंटेक ऐसी लॉक इन सब के नाम से आती है। एक कॉमन सी मेडिसिन है जो कि दिया जाता है पेशेंट को, सस्ती सी मेडिसिन है अक्सर दवाओं के साथ में, कि दवाएं जो हैं गैस ने बनाए उसके लिए दी जाते हैं, या फिर वैसे भी गैस है तो दिया जा सकता है। और कोई रेगुलर गैस का पेशेंट है तो उसको पेंटोप्राजोल दी जाती है। पेंटोप्राजोल की बहुत सारी कैटेगरी आती है, पेंटोप्राजोल DSR आती है एंड SR आती है एंड पेंटोशेक के नाम से आती है, पेंटोप डी के नाम से आती है, बहुत सारी ब्रांड्स होती हैं, आप कोई भी ब्रांड्स रख सकते हैं। थोड़ी सी अच्छी मेडिसिन होती है पेंटोप्राजोल। तो ये तो हो गई ओमिटिंग और गैस की। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और बात कर लेते हैं कुछ एंटीबायोटिक मेडिसिन की। तो एंटीबायोटिक सबसे इम्पॉर्टेंट होती है अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो, क्योंकि यही जो है ज़्यादातर अक्सर बीमारी को ठीक करने का काम करती है। इसमें हम लोगों ने 4 एंटीबायोटिक लिया है, जिसमें सबसे पहला है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, आपके पास होना चाहिए, सिप्रोफ्लॉक्सासिन ठीक करता है। एंड जो ज़्यादातर यूज किया जाता है वो होता है एमॉक्सिसिलिन पोटेशियम क्लेविनेट, तो ये मेडिसिन भी आपके पास होनी चाहिए, ये भी दिया जाता है कई बार। एंड ओफ्लॉक्सासिन ओर्निडाजोल ज़्यादातर ये भी दिया जाता है, ये भी आपके पास होना चाहिए। और लास्ट में सिफिक्जीम आपके पास होना चाहिए। ये 4 एंटीबायोटिक तो बिल्कुल आपके पास होने चाहिए, इसके अलावा भी थोड़ा बहुत रख सकते हैं, पर ये ज़रूर रखना चाहिए क्योंकि कॉमनली यही सब यूज़ की जाती है, ठीक है। अब हम लोग लास्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं कुछ दूसरी मेडिसिन जो कि मिसलिनियस हैं, जिसको आपको अपने पास रखने चाहिए। तो उसमें सबसे पहली चीज़ आती है बी कॉम्प्लेक्स, आपके पास होना चाहिए। बी कॉम्प्लेक्स में बीकास्टूल आता है और इससे बहुत सारी जो है मेडिसिन होती हैं, आपको नॉलेज होगा इसके बारे में थोड़ा बहुत। ये मेडिसिन जैसे मुँह के छाले में दी जाता है या बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो गई है, ठीक है, उस टाइम पर दिया जाता है।
तो ये तो बी कॉम्प्लेक्स की टेबलेट आपके पास होनी चाहिए। दूसरी आइसोसॉर्बिट डाइनाइट्रेट टेबलेट आपके पास होना चाहिए, जो कि हार्ट अटैक हार्ट पेन में होना चाहिए। अगर आपका मेडिकल है तो उस पर ये मेडिसिन जरूर से ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि ये एक टेबलेट जो होती है लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं। ये अगर किसी को हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक आ गया है, तो एक टेबलेट अगर वो हॉस्पिटल नहीं पहुँच सकता, एक टेबलेट खिला देंगे तो वो बच जाएगा, तो आप उसको हॉस्पिटल पहुँचा सकते हैं। अगला एनिमा ज़रूर होना चाहिए आपके मेडिकल स्टोर पे, आपके अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि ये कॉन्स्टिपेशन में दिया जाता है। जब किसी को कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की शिकायत होती है तो उस टाइम पे एनल कैनाल में जो है आपको ये एनिमा लगाना होता है, जिससे वो उसका जो कॉन्स्टिपेशन है वो ठीक हो जाए। तो बड़ों में एनिमा होता है, छोटों में ये ग्लिसरीन सपोजिटरीज के फॉर्म में आती हैं। तो कहने का मतलब वही होता है, सेम चीज़ एक चीज़ तरह होता है, पर ये ग्लिसरीन इसमें होती है तो एलर्जी होने का खतरा कम होता है, और छोटे बच्चे के अंदर इसको लगाया जाता है सेम काम के लिए, कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए। दोस्तों लास्ट में यहाँ पे अगर हम लोग देखें, एक भूख अगर नहीं लगती किसी पेशेंट को, खाना नहीं पचता है और खाने में प्रॉब्लम होती है, खाना नहीं खाया जाता है, तो उस टाइम पे एक जो है सिरप दिया जाता है पेशेंट को, जो कि ये दिया जा सकता है, जो आपके पास होना चाहिए, जिसमें कोई भी ब्रांड आप रख सकते हैं। पर अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें तो सिप्रोहेप्टाडिन ट्राइकोलिन सिट्रेट सॉर्बिटॉल इसका नाम होता है। अगर आप ध्यान दें तो एक प्रकार का ओरल सॉल्यूशन होता है जो कि पेशेंट के लिए दिया जाता है, तो ये मेडिसिन भी आपके पास होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने बात करी कुछ ऐसी मेडिसिंस की जो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास होना चाहिए, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सारी मेडिसिंस। अगर आप भविष्य में करना चाहते हैं तो आप ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि ये सारी मेडिसिन आपके पास हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कर दिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों इस तरह के मेडिसिन के वीडियो देखने के लिए, शॉर्ट वीडियो देखने के लिए हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर हम लोग शॉर्ट वीडियो अपलोड करते रहते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।